दोस्तों आप सबको पता होगा कि 29 मई को पंजाब में फेमस पंजाबी सिंगर और पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला की कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद उनके फैंस को काफी तगड़ा झटका लगाया और पूरी इंडस्ट्री भी अभी सदमे में है। आप सबको बता दें कि पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, और इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई वही गैंगस्टर है जिसने साल 2018 में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे चुका है। दरअसल सलमान खान का काला हिरण शिकार मामले को लेकर केस आज भी चल रहा है। इस मामले पर फैसला आना अभी बाकी है, और इसी मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जोधपुर में जान से मारने की धमकी दी थी, और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस का कहना है कि मूसेवाला की हत्या के बाद ये गैंग फिर से एक्टिव हो गया है, और इसी वजह से हमने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है और हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं ताकि सलमान खान की जान को कोई खतरा ना हो। तो दोस्तों क्या आपको ये जानकारी पहले मालूम थी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। जय हिंद, वंदे मातरम।